Hello friends, today we are going to play a game. This is a game of sounds. ठीक है, इससे हम sounds के बारे में पढ़ाई करेंगे कि हमने अभी तक के कितने सारे alphabets के sounds को identify करना सीख लिया है. तो इस game में हमें क्या करना है कि जैसे ही मैं कोई भी sounds वो कोई भी alphabet का sound बोलूंगी, suppose मैंने न बोला न, तो न n का sound है, तो इसमें क्या करना है, एन में जंप करना है. मैंने य बोला तो वाई में जंप करना है. तो इस तरीके से अगर आप करेक्ट अल्फाबेट्स में जंप करोगे तो आपको मार्क्स मिलेगा, अदरवाइज आपके मार्क्स कट जाएंगे अगर आप रॉन्ग में जंप करोगे. ठीक है, ये मैं अपने 3.5 साल की बेटी के साथ ये खेल रही हूँ. ठीक है, ये गेम. सो लेट्स स्टार्ट. चलो स्टार्ट करते हैं. र, ब, क, य, य, क्वा, क्वा, गट, ग, व, 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 रॉन्ग, व, व, आई एम नॉट सेइंग व, व, मैं व बोल रही हूँ, व, 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 चलो मैं क्लू देती हूँ, वॉच, यस, गुड, वन मार्क्स कट, ना, हाँ. प, ल, ब, ब, क, ए, 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 नॉट ए, ए, आई एम सेइंग ए, अगेन रॉन्ग, आई एम सेइंग ए, बेटा मैंने ए नहीं बोला, ए बोला, ए. Good, elephant. Now, A. Yes, apple. D. D. So, very good. है ना, आपके थोड़े ही मार्क्स कटे हैं, अदरवाइज आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं. सो आपको ये साउंड्स पता है, आपको समझ में आ गई. मैंने इसके पहले भी काफी वीडियो बनाए हैं बच्चों के साथ खेल खेल में साउंड प्रैक्टिस के लिए. तो इस तरीके से आप बच्चे को जल्दी साउंड प्रैक्टिस करवा सकते हैं. और साउंड प्रैक्टिस अगर आप बच्चे के साथ करवा लेंगे तो आपको उसको पढ़ाने में बहुत आसानी होगी. सपोज वो कैसे, जैसे इनको साउंड आइडेंटिफाई करना आ गया, तो सपोज मैंने ये रखा, पी रखा, यहाँ पे ए रखा और यहाँ पे एन रखा. चलो बेटे इधर आओ. व्हाट इज द साउंड ऑफ पी, ए, एन. सो व्हाट इज दिस, प, एन, प, एन, पैन, पैन, प, एन, पैन. सो देखो कित, हाँ, पैन. वेरी गुड. तो इस तरीके से आप बच्चे को इजीली पढ़ाना सिखा सकते हैं, वो कितने आसानी से वर्ड्स को बोलना सीख जाएगा. सो होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी. इस तरीके से आप खेल खेल में बच्चे को साउंड प्रैक्टिस जरूर करवाएं. और अगर बच्चे को पढ़ाई करना सिखा रहे हैं तो सबसे पहले आप साउंड प्रैक्टिस उसको ज्यादा से ज्यादा कराएं. मैंने अपने बच्चे को 3-4 हफ्ते सिर्फ साउंड्स को आइडेंटिफाई करना सिखाया बहुत अच्छे से, जिससे उसको पढ़ने में बाद में बहुत इजी, और वो अभी इजीली कुछ कुछ वर्ड्स फॉर्म कर लेती. सो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर पसंद आए है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, कमेंट जरूर लिखें. सो थैंक यू फॉर टुडे, टिल देन बाय.